प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद लाल किले पर 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। इस दौरान उन्होंने लगातार 11वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया और लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित किया। लाल किला पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने किया। इसके बाद रक्षा सचिव ने दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार का परिचय प्रधानमंत्री से कराया। मोदी को सलामी मंच पर ले जाया गया, जहां संयुक्त अंतर सेवा और दिल्ली पुलिस गार्ड ने उन्हें सामान्य सलामी दी। प्रधानमंत्री ने सलामी गार्ड्स का निरीक्षण भी किया, जिसमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के एक एक अधिकारी और 24 कर्मी शामिल थे। इस दल का नेतृत्व कमांडर अरुण कुमार मेहता ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए इस वर्ष आई प्राकृतिक आपदाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, प्राकृतिक आपदाओं ने इस साल और पिछले कई वर्षों में हमारे देशवासियों की चिंता को बढ़ा दिया है। इन आपदाओं में कई लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों और संपत्ति को खो दिया है। मैं उन सभी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और यह विश्वास दिलाता हूं कि इस संकट की घड़ी में पूरा देश उनके साथ खड़ा है।